हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज हम भगवान के 18वें दिव्य गुण के बारे में चर्चा करेंगे। तो शिल रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये जो गुण है इसे दृढ़ संकल्प कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को दृढ़ संकल्प बताया जाता है जो सभी प्रकार के विधि विधानों का पालन करता है, सभी प्रकार के नियमों का पालन करता है और जो वचन उसने दिए हैं उसको प्रत्यक्ष रूप से अपने कार्यों के द्वारा करके दिखाता है, उसे कहा जाता है दृढ़ संकल्प। तो इस विषय में एक कथा बताई जाती है भगवान कृष्ण के बारे में। जब भगवान ने भौमासुर का वध किया, भौमासुर के बारे में हमें पता है उसने 16,000 राजकुमारियों का अपहरण करके उसने एक गुफा में बंद करके रखा था। तो भगवान ने इन सभी राजकुमारियों का उद्धार किया भौमासुर का वध करके। तो भौमासुर के बारे में ये भी बताया जाता है कि वो इतना ताकतवर था, देवताओं को स्वर्ग लोक में हरा करके देवताओं की जो माता है अदिति उनके कुंडल भी उसने चुरा लिए थे। तो अब भगवान ने क्या किया, भगवान जो है देवताओं को, माता अदिति को ये कुंडल वापस लौटाना चाहते थे। भौमासुर का वध हो गया था, उसका उद्धार हो गया था। तो भगवान ने क्या किया, सत्यभामा के साथ में, कृष्ण और सत्यभामा उनके साथ में उन्होंने अदिति माता के कुंडल लिए और अमरावती जो स्वर्गलोक की राजधानी बताई जाती है, इंद्रलोक की, जहाँ पर राजा इंद्र है उनकी राजधानी अमरावती है। तो भगवान जो है सत्यभामा के साथ में वहाँ पर गए। तो राजा इंद्र ने, देवताओं ने, माता अदिति ने इनका भव्य स्वागत किया और भगवान ने जो है वो कुंडल वापस लौटा दिए। तो इंद्र देवता ने भगवान को धन्यवाद दिया। जब भगवान सत्यभामा के साथ में वापस द्वारका लौट रहे थे राजा इंद्र की राजधानी से, उस समय में सत्यभामा ने देखा कि इंद्र लोक में, स्वर्ग लोक में बड़े ही सुगंधित प्रकार के फूल पाए जाते हैं जिसे परिजात जो है फूल कहा जाता है, उसके वृक्ष वहां पर हैं। तो तुरंत सत्यभामा को भगवान का एक वचन याद आ गया। एक बार क्या हुआ था, नारद मुनि जब देवता लोक से जब द्वारका में पधारे थे, भगवान के राजमहल में गए थे, तो भेंट स्वरूप, भेंट देने के लिए नारद जी जो है इंद्रलोक से एक परिजात का फूल लेकर के आए थे। ये जो परिजात का वृक्ष है, ये जो परिजात का फूल है,
ये वहीं की अमानत है, स्वर्ग लोक में मात्र पाया जाता है, धरती के ऊपर ये नहीं पाया जाता है। तो नारद जी जो है वहाँ से भेंट लेकर के आए और भगवान की जो सबसे वरिष्ठ जो रानी थी माता रुक्मिणी, रुक्मिणी को आकर के नारद जी ने ये भेंट प्रदान की। तो रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न हो गई और उस समय सत्यभामा को जो है थोड़ा अपने आप के ऊपर एक प्रकार से अपमान लगा कि मैं भी भगवान कृष्ण की पटरानी हूँ और ये भेंट मुझे प्राप्त नहीं हुई। तो ऐसा सोचने के पश्चात में कृष्ण भगवान तो समझ गए तुरंत सत्यभामा क्या सोच रही है। तब भगवान ने सत्यभामा से कहा कि हे सत्यभामा, एक परिजात का फूल क्या, मैं तुम्हारे लिए पूरा परिजात का वृक्ष लेकर के आऊंगा और तुम्हारे महल के आंगन के अंदर में उसे जो है रोपण करूंगा। तो अब सत्यभामा को जो है भगवान का वो वचन याद आ गया। तो सत्यभामा ने क्या किया, भगवान की मदद लेकर के अब वहां से स्वर्ग लोक से एक परिजात का पेड़ उखाड़ लिया और सीधा रख दिया गरुड़ जी के ऊपर और लेकर के जो है भगवान के साथ में अब सत्यभामा जो है वहाँ से इंद्रलोक से अब द्वारका की तरफ उस पेड़ को लेकर के जा रही थी। असल में देखा जाए तो देवताओं को तो प्रसन्न होना चाहिए था और इंद्रलोक को तो भगवान का आभारी होना चाहिए था। यही भगवान भौमासुर का वध करके भगवान ने अदिति माता के कुंडल स्वर्ग लोक में लौटाए थे, कम से कम उतना तो उसे जो है आभारी होकर के भगवान के धन्यवाद स्वरूप, भगवान ने तो मांगा भी नहीं था, बिना मांगे ही उन्हें कुछ ना कुछ भगवान को भेंट प्रदान करनी थी। लेकिन इंद्र देवता ने ऐसा नहीं किया, अपना काम पूरा हो गया बस खत्म। और यही नहीं, जब भगवान ने एक प्रकार से कृपा दिखाई कि इंद्र जो इंद्रलोक की जो वस्तु है भगवान ने वो ग्रहण की, एक्सेप्ट की, तो इंद्र को तो बड़ा प्रसन्न होना चाहिए था। अभी देखिए, भगवान ने जो है अगर हम देखें, दुर्योधन ने अनेकों प्रकार के पकवान भगवान के लिए पकाए थे लेकिन भगवान ने स्वीकार नहीं किए। भगवान ने जो है विदुर के घर में जाकर के साग खाया, तो इंद्र को तो प्रसन्न होना चाहिए था कि भगवान ने जो है मेरी कुछ वस्तु यहाँ पर इंद्रलोक के अंदर में जो वस्तु है वो भगवान ने जो है किसी न किसी प्रकार से ग्रहण किया। भगवान, मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ, आपका आभारी हूँ, सब कुछ आपका ही है, भगवान ये कृपा करके ले लीजिए। लेकिन देखिए, इंद्र ने ऐसा नहीं किया, बाकी देवताओं ने भी इंद्र का साथ दिया उस समय में और भगवान को चुनौती दी। अब यहाँ पर भगवान का दृढ़ संकल्प बताया जाता है कि भगवान ने ये दृढ़ संकल्प लिया था कि मैंने सत्यभामा को जो प्रॉमिस किया है, जो मैंने वचन दिया है, वो तो मुझे पूर्ण करना है। तो भगवान ने जो है देवताओं के साथ में, इंद्र के साथ में युद्ध किया, उनको परास्त किया और परास्त करने के पश्चात सत्यभामा के साथ में परिजात का वृक्ष द्वारका तक लेकर के आए और द्वारका में सत्यभामा उन्होंने जो है अपने आंगन में, राजमहल के आंगन में ये वृक्ष वहाँ पर लगाया। तो ये बड़ा सुंदर उदाहरण जो है भगवान के दृढ़ संकल्प के बारे में बताया जाता है कि भगवान ने जो वचन दिया था सत्यभामा को वो केवल शब्दों में मात्र नहीं था, भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से कार्य के द्वारा पर्सनली करके दिखाया। ये बड़ा सुंदर उदाहरण है। दूसरे उदाहरण हमने इससे पहले भी देखे हैं, भगवान ने हमें पता है कि भगवद गीता में अपने भक्तों के लिए जो वचन दिया है कि हमेशा भगवान अपने
भक्तों की जो है रक्षा करेंगे। कौन्तेया प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, भगवान ने अर्जुन से कहा है कि मैं भक्तों के लिए ये वचन देता हूँ, मेरे भक्त का पतन कभी नहीं होगा, मैं हमेशा उनकी रक्षा करूँगा। तो उसके तो हम अनेकों उदाहरण देख सकते हैं, जैसे हमने पहले भी ये उदाहरण देखा था किस प्रकार से भगवान ने द्रौपदी का अनेकों प्रकार से भगवान ने जो है द्रौपदी के मान की रक्षा की। हम महाभारत के युद्ध में भी देख सकते हैं कि अर्जुन के लिए भगवान ने उनकी रक्षा करने के लिए क्या क्या नहीं किया। यहाँ तक कि जब भीष्म पितामह अत्यंत क्रोधित हो गए थे और क्रोध में आकर के उन्होंने कहा था ये 5 जो है पांडवों को मारने के लिए भीष्म पितामह के पास में 5 बड़े ही श्रेष्ठ बाण थे, उन बाणों के द्वारा इनकी जो है मृत्यु निश्चित थी। तो जब अनेकों प्रकार से दुर्योधन ने भीष्म पितामह का अपमान किया और कहा कि पितामह आप क्या कर रहे हैं, आप युद्ध कर रहे हैं, आपका स्नेह तो पांडवों की तरफ है, आप ठीक प्रकार से जो है युद्ध नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार से जब अपमान किया तब भीष्म पितामह ने जो है उन्होंने प्रण ले लिया कि दुर्योधन जो तुम्हारे पास में जो 5 जो मैंने तीर दे करके रखे हैं, जो बाण मैंने दिए हैं, सुरक्षित रख लो, कल मुझे वो चाहिए, कल सवेरे का जब युद्ध प्रारंभ होगा इतना भीषण मैं युद्ध करूंगा कि 5 पांडव जो हैं उनका संहार निश्चित है। लेकिन भीष्म पितामह जानते थे कि भगवान जो है अपने भक्तों के रक्षक हैं। तब उसी रात को भगवान जो है अर्जुन के साथ में भगवान दुर्योधन के पास में गए। दुर्योधन ने कभी वचन दिया था पांडवों को, अर्जुन को, कि जो तुम्हें चाहिए मैं प्रदान करूँगा, और यही समय था जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, दुर्योधन से वो 5 बाण वापस मांग लो दान के रूप में। तो दान के रूप में दुर्योधन ने वो 5 बाण जो हैं अर्जुन को सौंप दिए। और जब भीष्म पितामह को ये पता चला, भीष्म पितामह जो है मुस्कुराने लगे, क्योंकि उनको ज्ञात था कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो देखिए, भगवान ने अर्जुन की रक्षा करने के लिए वो 5 बाण जो है दान के रूप में मांग लिए। फिर भी भीष्म पितामह ने सोचा कि चलो बाण ले गए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी भीष्म युद्ध तो करूँगा। और अगले दिन भीष्म पितामह ने बड़ा ही घनघोर युद्ध किया, छेड़ दिया, अर्जुन के रथ को तोड़ दिया, उसके घोड़ों को घायल कर दिया, गांडीव धनुष तोड़ दिया नियरली। तब भगवान ने जब देखा कि अर्जुन की इस प्रकार की हालत है, भगवान ने अपने वचन को भी तोड़ दिया अपनी भक्त की रक्षा करने के लिए, अपने भक्त को उनको जो वचन दिया है उसको निभाने के लिए। भगवान ने ये भी कहा था कि भाई मैं महाभारत इसमें युद्ध में भाग नहीं लूँगा, मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊँगा, केवल अर्जुन के रथ का सारथी मात्र बनूंगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर अर्जुन की रक्षा करने के लिए भगवान ने रथ का पहिया निकाला चक्र की भांति, और भगवान जो है शेर जिस प्रकार से हाथी के ऊपर लपकता है, इस प्रकार से भगवान जो है भीष्म पितामह के पीछे भागे। और जैसे ही भीष्म ने देखा कि भगवान ने जो है अस्त्र उठा लिया है, इस प्रकार से तुरंत अपने अस्त्र जो है उसने त्याग कर दिए और भगवान को नमन किया। तो इससे भी हम देख सकते हैं किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों की जो है रक्षा करते हैं। ये जो है बताया गया है भगवान के विषय में। तो इससे हमें पता चलता है, हम इस भौतिक संसार के अंदर में अनेकों प्रकार के जो है वचन देते हैं, अनेकों प्रकार के संकल्प करते हैं,
अनेकों प्रकार से हम दृढ़ संकल्प भी करते हैं, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार जो है हम बदल जाते हैं, या फिर हम हार मान लेते हैं और अपने वचनों को जो हमने दिया है, जो हम करना चाहते हैं, उसे कार्य के द्वारा संपन्न नहीं कर पाते हैं। लेकिन भगवान तो पूर्ण है, इसलिए भगवान के अंदर में ये गुण भी पूर्ण रूप से है कि भगवान जो भी दृढ़ संकल्प करते हैं, भगवान उसे पूर्ण करते हैं। भक्तों के विषय में ये बताया जाता है कि ये जो भगवान का दृढ़ संकल्प का गुण है, ये भक्तों के अंदर में भी रहता है। उसे कहा जाता है निश्चयात्मिका बुद्धि, और भगवान भगवद गीता में उसके बारे में बताते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि एके है कुरुनंदना। अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन बहु शाखा में अपने मन को मत बांटो, एकाग्र हो करके, एक चित्त हो करके ये कार्य करो युद्ध का। तो इस प्रकार से भगवान के भक्त के अंदर में भी ये निश्चय आत्मा की जो है ये गुण पाए जाते हैं, लेकिन भगवान में पूर्ण रूप से पाए जाते हैं, और आंशिक रूप से भगवान के भक्तों के अंदर में भी ये पाए जाते हैं। तो अगले गुणों की चर्चा अब हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।